हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ। और आज हम देखेंगे अपना अगला टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो है क्लास 10th साइंस का चैप्टर 13। और उसका हमारा ये टॉपिक हम देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो फिनोमेना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उस फिनोमेना के बेस पे एक्सपेरिमेंट जो स्टडी की गई है वो हमने देखी थी, जो जनरेट करती हैं इंड्यूस करंट को, जो यूजुअली बहुत ही स्मॉल होता है। और ये प्रिंसिपल जो है ये एम्प्लॉय करता है टू प्रोड्यूस लार्ज करंट फॉर यूज इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज। इलेक्ट्रिक जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी यूज होती है रोटेट करने के लिए कंडक्टर को इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ताकि वो प्रोड्यूस कर सके इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो शो किया गया है फिगर 13.19 में, ये कंसिस्ट होता है रोटेटिंग रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD। आप देख सकते हैं ABCD कॉइल हमें दी गई है, जो प्लेस की गई है बिटवीन टू पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में रखी गई है, जो R1 एंड R2 है। उसके बाद में परमानेंट मैग्नेट के बीच में रखी है, और दो एंड्स जो है इस कॉइल के ये कनेक्ट किए गए हैं दो रिंग से, जो है R1 एंड R2। हमारे दो जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं वो N और S पोल हमें दिए गए हैं, और ये जो दो एंड्स हैं इस कॉइल के ये कनेक्ट किए गए हैं दो रिंग से, R1 एंड R2 से। इनर साइड जो है रिंग की ये मेड की गई है इंसुलेटेड, मतलब इंसुलेटेड वायर्स यूज की गई हैं रिंग्स की। एंड टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेस हैं B1 एंड B2, जो किप्ड किए गए हैं प्रेस सेपरेटली ऑन द रिंग्स, दोनों रिंग्स के ऊपर सेपरेटली लगाए गए हैं R1 एंड R2 के ऊपर। और ये दो रिंग्स जो हैं R1 एंड R2, ये इंटरनली अटैच किए गए हैं एक्सल के साथ में, जैसे हमने पहले वाले इसमें भी देखा था, इलेक्ट्रिक मोटर में देखा था उस तरह से। एक्सल जो है वो मे बी मैकेनिकली रोटेटेड है फ्रॉम आउटसाइड टू रोटेट द कॉइल इनसाइड, ताकि अंदर की कॉइल्स जो है वो इनसाइडली रोटेट हो सके, कर सके इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। आउटर एंड जो है ये दो ब्रशेस का ये कनेक्ट किया गया है गैल्वेनोमीटर से, जो शो करता है फ्लो ऑफ करंट को इन द गिवन एक्सटर्नल सर्किट। जब एक्सल अटैच किया जाता है दो रिंग्स से, तो वो रोटेट किया जाता है इस तरह से कि आर्म AB जो है वो मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और आर्म CD जो है वो मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन द मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है बाय द परमानेंट मैग्नेट। अब हम कह सकते हैं कि कॉइल ABCD जो है वो रोटेट होती है क्लॉकवाइज इन द अरेंजमेंट जो हमें शो किया गया है। और अगर हम इस पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करें, अप्लाई करें, तो इंड्यूस करंट जो है वो सेटअप करता है इन आर्म्स के बीच में अलोंग द डायरेक्शन AB एंड CD, और इसीलिए इंड्यूस करंट फ्लो होगा इन द डायरेक्शन ABCD। अगर लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल के अंदर, तो करंट जो जनरेट होता है ईच टर्न के अंदर ये एड अप होने लगेगा, ताकि एक लार्ज करंट जो है थ्रू द कॉइल हमें उससे मिल सके। और इसका मतलब ये है कि करंट जो है एक्सटर्नल सर्किट फ्लो होगा, करंट जो है एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो होगा फ्रॉम B2 टू B1। हाफ रोटेशन जब हो जाएगा तो आर्म CD जो है वो मूव अप होना स्टार्ट होगा, और AB जो है अब मूव डाउन होना शुरू होगा, और इसका रिजल्ट ये होगा कि डायरेक्शन जो है इंड्यूस करंट का बोथ द आर्म्स में वो चेंज हो जाएगा, गिविंग राइज टू द नेट इंड्यूस करंट इन द डायरेक्शन DCBF। अब उल्टे डायरेक्शन में हमारा करंट क्या होगा, इंड्यूस होने लगेगा। करंट जो है एक्सटर्नल सर्किट में अब वो फ्लो होगा फ्रॉम B1 टू B2, और दस आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन पोलैरिटी के कारण करंट जो है इन द रिस्पेक्टिव आर्म्स वो चेंज होने लगेंगे, क्योंकि पोल्स क्या है उनके चेंज हो गए। और ऐसे करंट में जो चेंज करेगा डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एब्रिवेटेड उसे AC के रूप में जानते हैं। और ये डिवाइस जो होते हैं वो होते हैं AC जनरेटर। टू गेट डायरेक्ट करंट, जो हमारे घरों में होते हैं वो डायरेक्ट करंट होते हैं, जो चेंज नहीं करते अपने डायरेक्शन को समय के साथ में। स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर जो होते हैं ये यूज किए जाते हैं, और ऐसी अरेंजमेंट को जब वन ब्रश जो है इज एट ऑल टाइम इन कॉन्टैक्ट विद आर्म मूविंग इन द फील्ड, वाइल अदर जो है वो कॉन्टैक्ट में होते हैं आर्म के जो मूविंग डाउनवर्ड होते हैं। हमने देखा वर्किंग ऑफ स्प्लिट रिंग्स जो है कम्यूटेटर का काम करती हैं इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। दस यूनिडायरेक्शनल करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है, और जनरेटर जो है उसी को हम DC जनरेटर कहते हैं। डिफरेंस जो है बिटवीन डायरेक्ट और अल्टरनेटिव करंट के बीच में वो ये है कि डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लो होता है एक डायरेक्शन में, वहीं अल्टरनेटिंग करंट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में भी फ्लो होता है पीरियडिकली, मतलब टाइम टू टाइम समय के साथ एक पर्टिकुलर टाइम में।
मोस्ट पावर स्टेशन जो है वो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं जो एसी के बेस पे है, अल्टरनेटिंग करंट के बेस पे है। इंडिया में एसी चेंज करता है डायरेक्शन को एवरी 100th ऑफ सेकेंड, और इसका मतलब यह है कि फ्रीक्वेंसी जो है एसी की वो 50 हर्ट्ज तक होती है। एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज जो है एसी का ओवर डीसी वो ये है कि इलेक्ट्रिक पावर जो है वो ट्रांसमिट होती है लॉन्ग डिस्टेंस तक विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। अगर आप एसी का यूज करते हैं तो एनर्जी का लॉस बहुत कम होगा और ट्रांसमिट कर सकेंगे आप इलेक्ट्रिक पावर को लॉन्ग डिस्टेंस तक। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तो हमारे घरों में हम रिसीव करते हैं सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर को एक मेन सप्लाई के थ्रू, जिसे हम मेन्स कहते हैं। आइदर सपोर्ट करता है वो थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स से या बाय अंडरग्राउंड केबल्स के थ्रू। वन ऑफ द वायर जो है इस सप्लाई में यूजुअली विथ रेड इंसुलेशन कवर, यूजुअली आपको ये वायर्स रेड इंसुलेशन के साथ दिखेंगी जिन्हें हम लाइव वायर या पॉजिटिव वायर कहते हैं, और अनदर वायर जो ब्लैक इंसुलेशन में होती है उसे हम न्यूट्रल वायर कहते हैं जो नेगेटिव होती है। हमारी कंट्री में पोटेंशियल डिफरेंस जो है बिटवीन ये दो वायर्स वो है 220 वोल्ट का। एट द मीटर बोर्ड इन अ हाउस, मीटर बोर्ड की बात करें हमारे घरों में जो होते हैं, तो ये वायर्स पास होती हैं इनटू एन इलेक्ट्रिसिटी मीटर थ्रू द मेन फ्यूज, और थ्रू द मेन स्विच वो कनेक्ट होती हैं लाइन से, लाइन वायर्स से हमारे घरों में। ये वायर्स जो हैं सप्लाई करती हैं इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट सर्किट्स विद इन द हाउस। ऑफन टू सेपरेट सर्किट्स यूज किए जाते हैं, एक जो होता है 15 एम्पियर का करंट रेटिंग फॉर अप्लायंसेस जिनके हाई पावर रेटिंग्स होते हैं जैसे गीजर्स या एयर कूलर, और अदर सर्किट जो होते हैं वो नियर अबाउट 5 एम्पियर के होते हैं जिसमें करंट रेटिंग जो है वो छोटा होता है जैसे बल्ब या फैन के लिए। अर्थ वायर जो है जिसका इंसुलेशन ग्रीन कलर का होता है, ये यूजुअली कनेक्ट होती है किसी मेटल प्लेट से जो डायरेक्टली अर्थ से कनेक्ट होती है, डीप होती है अर्थ में हमारे घर के आसपास, और ये यूज होती है सेफ्टी मेजर के रूप में। स्पेशली दोज अप्लायंसेस जो मेटेलिक बॉडी के होते हैं, एग्जांपल इलेक्ट्रिक प्रेस या टोस्टर, टेबल फैन या रेफ्रिजरेटर, तो वहां पर ये वायर का बहुत यूज होता है। मेटेलिक बॉडी जो है वो कनेक्ट की जाती है टू द अर्थ वायर जो प्रोवाइड करती है लो रेजिस्टेंस को, कंडक्ट करती है पाथ को फॉर द करंट, और इसीलिए ये एंश्योर करते हैं कि कोई भी लीकेज जो है करंट का टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ द अप्लायंस कीप इट्स पोटेंशियल टू दैट ऑफ द अर्थ। उसका पोटेंशियल वो अर्थ में अटैच करके रखती है या लगा के रखती है, और यूजर में नॉट गेट अ सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक, और उसके कारण हमें डायरेक्ट सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक से हम बच सकते हैं, शॉक हमें डायरेक्ट नहीं लगता बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन इंसुलेटेड वायर जो अर्थिंग की वायर होती है। देख सकते हैं आप यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्राम दी है वन ऑफ द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट की, जिसमें आपको अर्थ वायर दिया गया है ग्रीन वाला, तो ग्रीन वायर हम कह सकते हैं डायरेक्टली अर्थ से कनेक्ट होती है ताकि कोई भी करंट अगर कहीं से लीकेज हो रहा है तो वो डायरेक्टली अर्थिंग वायर के थ्रू अर्थ में चले जाए और उससे कोई लार्ज डैमेज या किसी तरह का शॉक हमें ना लगे। रेड वायर हमने पहले भी पढ़ा था कि लाइव वायर होती है जो हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड फ्यूज के अंदर, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज के अंदर जाती है जहां से इलेक्ट्रिक मीटर में जाती है, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो होता है जिसमें मेन स्विच और फ्यूज होते हैं हर सर्किट के लिए, वहां से देन हमारे अप्लायंसेस में या बाकी चीजों में जाती है। और न्यूट्रल वायर हमारी ब्लैक वायर होती है, वो भी इस तरह से फंक्शन परफॉर्म करती है। फिगर 13.20 हमें एक स्कीमेटिक डायग्राम देता है वन ऑफ द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट का, और ईच सेपरेट सर्किट में डिफरेंट अप्लायंसेस जो हैं वो कनेक्ट किए जाते हैं अक्रॉस लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स। हर अप्लायंस जो होता है एक सेपरेट स्विच उसमें होता है ऑन और ऑफ का, द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। इन ऑर्डर टू ईच अप्लायंस हैज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस, वो कनेक्ट होते हैं पैरेलल टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सारे डोमेस्टिक सर्किट का। हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं प्रिंसिपल को एंड वर्किंग ऑफ अ फ्यूज को प्रीवियस चैप्टर में सेक्शन 12.7 में। फ्यूज जो है सर्किट में ये प्रिवेंट करता है डैमेज को किसी भी एप्लीकेशन के और सर्किट को ड्यू टू ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग अगर हो जाता है तो फ्यूज उस चीज को क्या कर सकता है, रोक सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। ओवरलोडिंग जो है वो ऑकर होता है जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आती हैं, और ये ऑकर होता है जब इंसुलेशन जो है वायर के वो डैमेज हो चुके हों। मतलब अगर इंसुलेशन है और वो दोनों वायर एक साथ आई हैं तो उनका एक दूसरे से टच होना कोई मायने नहीं रखता या उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उनका इंसुलेशन कहीं से कटा हुआ है या वो अंदर की जो वायर्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रही हैं तो इसके कारण फॉल्ट हो सकता है।
ऐसी सिचुएशन में करंट जो होता है सर्किट में एब्रप्टली इंक्रीज होता है, मतलब एकदम से बढ़ने लगता है, और इसी को हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। यूज जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज का, ये प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिक सर्किट को और अप्लायंस को फ्रॉम पॉसिबल डैमेज बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो यूज अगर हम इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं तो अगर हाई इलेक्ट्रिक करंट है तो उसे वापस अपनी लेवल तक लाने का काम ये इलेक्ट्रिक फ्यूज करता है, जिसके कारण पॉसिबल डैमेज जो है वो हम स्टॉप कर सकते हैं। ज्यूल हीटिंग जो है वो टेक्स प्लेस होती है इन द फ्यूज और ये मेल्ट करती है उसे ब्रेक करने के लिए, मतलब उस इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने के लिए। ओवरलोडिंग जो है वो ऑकर हो सकता है एक्सीडेंटल हाइक की वजह से भी, अगर सप्लाई वोल्टेज में हाइक हो जाए या बढ़ जाए आपका वोल्टेज तो भी ओवरलोडिंग हो सकती है। कभी कभी ओवरलोडिंग जो है ये होती है कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंसेस ऑन अ सिंगल सॉकेट, एक सिंगल सॉकेट पे आपने बहुत सारे अप्लायंसेस एक साथ कनेक्ट कर दिए हों तो भी चांसेस होते हैं ओवरलोडिंग के, जिसके कारण डैमेज हो सकता है। तो हमें याद रखना है, ध्यान रखना है कि ये चीज़ ना हो, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के साथ में ये चीज़ें ओवरलोडिंग की बात और ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इस चैप्टर को हमने यहाँ कंप्लीट किया है। अगले चैप्टर के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।